गुड मॉर्निंग एवरीवन, बता दीजिए जरा, वॉइस क्लियर है आप सभी के लिए मेरी? ओके, ऑल क्लियर। चलिए, आज आप लोगों की लास्ट क्लास रहेगी एडजेक्टिव की। अगर अच्छे से सब कुछ फटाफट से आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है। ओके चलिए, हमने इससे पहले जो है एडजेक्टिव की कुछ चीजें की, यानी कि लिटिल, अ लिटिल से रिलेटेड, फ्यू ऑफ यू, द फ्यू से रिलेटेड, सम, एनी, मच, मैनी, बहुत सी चीजों के रूल्स हमने पहले देख लिए हैं। सर्टेन, अनसर्टेन, बहुत सी चीजें थी। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं जो सम कंफ्यूजिंग हमारे पास कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। आपको पता ही है कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है ना। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा डिग्रीज के बारे में बता देती हूँ। एडजेक्टिव में ही हमारे पास एक टॉपिक आता है, वो आता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव में ही रहता है, लेकिन है क्या, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। सो यू टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव? जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है वो कितने टाइप्स की होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, बताइए। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से आप क्या समझते हो? यानी कि अगर मैं हिंदी में आपको कहूं तो जो अवस्थाएं होती हैं एडजेक्टिव की, यानी विशेषण की अवस्थाएं, मैंने आपको हिंदी में भी समझाई हैं, अब आप लोगों ने मुझे इंग्लिश में भी बतानी है। सेम थ्री होती है ममता कैरियर। कौन कौन सी है ममता, नाम बता दो शाबाश फटाफट से। थ्री बताई ममता ने, कौन कौन सी होती है बताइए शाबाश। पहले हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका जो कंफ्यूजन है वो मतलब क्लियर कर सकते हैं। बताइए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन सी होती है? तीन आप लोगों ने बता दिए, नाम भी बता दो, चलो शाबाश। वन बाय वन कोई तो बताओ। पॉजिटिव, कंपिटिटिव नहीं, कंपिटिटिव नहीं, ये कंपैरेटिव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है, यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से। हमने थ्री टाइप्स की डिग्री की बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, एंड लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री आपने ऐड कर देना है साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री से क्या समझते हैं, जो मेन चीज होती है यानी कि मूल चीज होती है, मैं ये आप लोगों को बोल दूं, जो मूल या फिर मेन, जो सबसे पहले, जिसमें कोई चीज ऐड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री आपके पास किस चीज के लिए यूज होती है, तुलना के लिए यूज होती है। ठीक है, यानी कि किसी से कंपेयर करना है, तुलना करनी है आपको, कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं है, जो सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको मेन मेन बात चली पता। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। जब किसी एडजेक्टिव का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं, नॉर्मल किसी उसका गुण बताने के लिए, कुछ भी बताने के लिए, ऐसे नॉर्मल तरीके से हम जब यूज करते हैं, बिल्कुल नॉर्मली है कि आप किसी को बता रहे हो उसकी क्वालिटी, बता रहे हो कि वो गुड है बैड है, नॉर्मली बता रहे हो, वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है आपके पास। ठीक है, तब वो क्या होगी, एडजेक्टिव, जो भी आप मतलब एक नॉर्मल उसके क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, लाइक लिखवा देती हूँ आपको, क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, गुड है बैड है, इसी में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप बोलोगे इसकी जो नेक्स्ट बनेगी, जैसे गुड है, गुड से क्या बन जाती है, बेटर बन जाती है, आगे क्या बन जाती है, बेस्ट बन जाती है, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल आपको क्वालिटी बतानी है, गुड बैड हो गया, बहुत सी चीजें हैं जो क्वालिटी के बारे में बता रहे हो आप, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। आपके पास डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी को शो कर रहा है। नॉर्मल सिर्फ एक क्वालिटी की बात नहीं करते, बहुत सी चीजों के बारे में बात की जाती है यहाँ पे, लेकिन जो नॉर्मल मूल चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, जिसमें कोई चीज ना जोड़ी जा रही है, ना कोई चीज कंपेरिजन की जा रही है, ना सबसे अच्छा बताया जा रहा है, सिंपल उसकी क्वालिटी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री कहते हैं इस चीज। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर जो एडजेक्टिव आते हैं, एक देखते हैं कैसे कैसे यूज होता है। जैसे आपने एज वर्ड पढ़ा होगा, कंजंक्शन में भी हम आगे इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो एज के साथ हम
जब भी क्वालिटी को शो करते हैं तो हम एज का यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताना, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी आपको। बताओ एज का थ्रू हम एज के साथ कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए फटाफट से। एज का यूज एज के साथ या सो का यूज एज के साथ कैसे किया जाता है? कौन सा सही है दोनों में से बता दो। आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, एज का यूज एज के साथ, सो का यूज एज के साथ, कौन सा सही है? बोलिए फटाफट से। सो एज कह रही है दीपिका। दीपिका ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये दोनों ही सही है। एज का यूज एज के साथ भी होता है और सो का यूज एज के साथ भी होता है। एक बात आपने याद रखनी है, जो आपका एज है, एज के बाद आपका नॉमिनेटिव केस आपने सुना होगा। जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ा। नॉमिनेटिव केस को मैं आपको कहूं, इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है। माइक किसका अनम्यूट हो गया है जरा बताना। अपने अपने माइक्स को म्यूट रखा करें प्लीज, मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है इस चीज के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये जो मैंने अभी बताया आपको, नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस, इसका मतलब क्या होता है? एक चार्ट मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के टाइप में करवाया था, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? जैसे आई है वो मी में चेंज होता है, तो आई क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। मी क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। वैसे ही हमारे पास जैसे शी होता है उसका हर में चेंज होता है, तो शी क्या है हमारे पास? सब्जेक्टिव केस है। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो जो भी आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हो ये अलग अलग केस है। जो ये वाली चीज लिखवा रही होती हूँ ये क्या होती है? सब्जेक्ट। ये भी क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस है। तो जब भी एज के बाद हम यूज करेंगे तो हम नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे, ये मैंने आपको कहा। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे आप एज के बाद। जैसे बात करते हैं, पहले तो एक सिंपल सी बात करते हैं। पहले तो हमने तीन चीजें पढ़ी इसमें। पॉजिटिव डिग्री में तो पॉजिटिव चीजें आती हैं, है ना। कोई भी चीज होगी पॉजिटिव, अच्छी बुरी उसके बारे में, क्वालिटी उसकी। उसके बाद दूसरी हमने चीज पढ़ी एज के साथ एज और सो के साथ एज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज में आपके पास सबसे पहले क्या आ जाता है? मैंने कहा इसी के बारे में लिखवा रही हूं, है ना। दिस टेबल इज हैवी, मैंने कहा दिस टेबल इज हैवी। ये जो टेबल है वो क्या है? हैवी है, भारी है, हैवी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी होगी, तो आप मुझे बता पाओगे कि हैवी जो है इसकी कंपैरेटिव क्या होगी और सुपरलेटिव क्या होगी? बता सकते हो कि नहीं बता सकते? नहीं बता सकते हो तो कोई बात नहीं, अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव तक रहेंगे। बता सकते हो तो बता दो फटाफट से। हैवियर हो जाएगा, बिल्कुल दीपिका, बिल्कुल सही। एंड हैवीएस्ट, बिल्कुल सुनीता, हैवियर एंड हैवीएस्ट, ठीक। तो आपने देखा ये क्या है हमारे पास? सिंपल सी चीज बताई गई थी इसके बारे में कि ये हैवी है, इसकी क्वालिटी बताई थी, ये हैवी है, ठीक है। तो ये होगी आपकी ये वाली चीज जो क्वालिटी के बारे में मैंने आपको समझाई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं जो मैंने एज के बारे में बताया, ठीक है। जैसे रमेश इज एज हैंडसम, रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश। तो मैंने क्या कहा था? एज के साथ एज मिलेगा आपको देखने के लिए, ये वाली चीज है। साथ में क्या बोला था कि एज के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने सिंपल जो है एज के साथ एज किया। यहाँ पे किसी का नाम है, वो भी आपका किस में आता है? नॉमिनेटिव केस में आता है, लेकिन प्रोनाउन नहीं है नॉमिनेटिव केस का। जब प्रोनाउन आएगा तब वो चीज अप्लाई होगी। ऐसा नहीं सोचना है कि सुरेश को हटा के ही लगा दिया यहाँ, ठीक है। जब नाम की बात आ रही है तो नाम का नाम रहेगा। बात समझ आ रही है? जैसे
इज नॉट सो गुड एज मी। क्या ये सही है एग्जाम्पल की नहीं? आप बताओ, एक कॉमन सेंस होती है ना इंसान की, तो आप मुझे बता दो कि क्या आपको ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। जो भी आपके माइंड में चीजें चली हैं कि ये चीज एग्जाम्पल लिखवाई जा रही है, ये सही है कि गलत है? ही इज नॉट सो गुड एज मी, तो क्या होगा यहाँ पे? सही है कि गलत है? जो चीज मैंने आप लोगों को बताई उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे, मुझे बताइए। ही इज नॉट सो गुड एज मी, क्या ये सही है कि गलत है? बोलिए फटाफट से, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल भी। हां जी, संजीव कह रहे हैं राइट 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 राइट। नहीं, ये गलत है। अगेन किसी का माइक म्यूट करो, अनम्यूट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, जब आप कंजंक्शन करेंगे ना इस चीज को, आप वहां पे ध्यान रखोगे, ये वाला जब हमने एज के साथ एज यूज किया, पेयर्ड कंजंक्शन है ये एक तरीके से आपके पास, है ना? लेकिन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इसको पॉजिटिव डिग्री के सेंस में, कि पॉजिटिव डिग्री साथ में लगा रही हो। हैंडसम भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है ना? हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम होती, ये वाली डिग्री यहाँ पे यूज हुई थी, पॉजिटिव डिग्री। वैसे यहाँ पे गुड है, गुड बेटर बेस्ट होता, तो यहाँ पे गुड आपके पास क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ठीक, जब भी एज के साथ एज यूज हो रहा है इस चीज की बात करूं, तो ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, जब भी सो के साथ एज की बात करें तो ये नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगा आपको देखने को। जैसे यहाँ पे नॉट लगा है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिग्री भी पढ़ रहे हो एडजेक्टिव की, और साथ में आपने कंजंक्शन के दो रूल यहीं पर सीख लिए कि एज के साथ एज अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, और उसके साथ बीच में कंपैरेटिव डिग्री भी होनी चाहिए, अफर्मेटिव है। एंड सो के साथ एज देखा, और एज के साथ यहां पर मैंने आपको बोला नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करना है, तो आई का मी होता है, ये होता है नॉमिनेटिव केस, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हो जाएगा ही इज नॉट सो गुड एज आई। देखने में अटपटा लगेगा, आप मी यूज करते हो जब भी नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, लेकिन ये वाली चीज जो है वो कम्युनिकेशन जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं, कम्युनिकेट करते टाइम आप बेशक यूज गलत कर लो चल पड़ेगा, लेकिन जब आप लोगों को ग्रामेटिकली चेक करा जा रहा है, वहां पर आपको यहाँ पर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, और आई है वो चीज। बात समझ में आ गई? तो फटाफट से हैशटैग सेंड करो। चलो, अगर ये वाली चीज जो पॉजिटिव के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल चीजें होंगी इसमें, दूसरी एज के साथ एज और सो के साथ एज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दीपिका कह रही है रिपीट करना है। ओके दीपिका, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है दीपिका? देखिए, मैंने आपको तीन पॉइंट यहाँ पे समझाए कि पॉजिटिव के टाइम पे एक तो सिंपल सी चीज आपको देखने को मिलेगी, पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी, उसकी क्वालिटी के बारे में हमने स्पेसिफाई किया कि वो अच्छा है बुरा है, कोई भी इंसान की क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव क्या है, सिंपल सी चीज बतानी है हमने। ठीक है, उसके बाद उसकी क्वालिटी बता दी, उसकी स्टेज बता दी, कोई भी चीज हो सकती है, कोई इंसान है, कोई चीज है, किसी भी चीज के बारे में उसकी क्वालिटी, उसकी अवस्था, यानी कि किस अवस्था में है वो, क्या स्टेज है उसकी, वो चीज मेन मैटर करती है यहाँ पे। फिर उसके बाद, अगर ये था सिंपल इस चीज को लेके एग्जाम्पल, कि सिंपल सी बात यहाँ पे बोली, ये एक चीज है जो कि क्या हैवी है ना, इसकी अवस्था के बारे में बता दिया कि ये हैवी है। दूसरी चीज हमने बोला कि पॉजिटिव में ही आपको एज के साथ एज देखने को मिलेगा, ये पॉजिटिव केस था बिल्कुल, इसमें एज के साथ हमने एज किया और बीच में पॉजिटिव डिग्री अप्लाई कर ली। तीसरी बात हमने की सो के साथ एज, नेगेटिव सेंटेंस होगा बेशक, लेकिन सो के साथ एज देखने को मिलेगा हमने यूज किया, लेकिन साथ में जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज होना है वो कौन सा होगा? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। बस इतने से हमने तीन पॉइंट यहाँ पे देखे और ये हो गया क्लियर। ओके, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो है वो है कंपैरेटिव। जो जो चीजें आप लोगों को बताई मैंने वो क्या होगा, अब उन्हीं का हम क्या करेंगे? कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन के लिए अगर हमें यूज करना है
जब आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हो, कौन सा वर्ड यूज करते हो? मैं पहले वो बता रही। जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है, आप एक वर्ड का यूज करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, देन का यूज करते हो। ठीक है, जब आपने देन का यूज करना है तो देन के लिए एक बात याद रखना, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करोगे, इसके लिए भी सेम वही चीज है जो मैंने यहाँ पे बताई आप लोगों को, जो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करना है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करना है उसके बाद। ठीक है, बात समझ आ रही है? नॉमिनेटिव केस जो है उसका यूज करना है, और देन का यूज होगा जब भी कंपैरिजन होगा। ठीक है, और ये चीज कब होती है? जब आपके सब्जेक्ट के बाद जो है इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज होता है, जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसके बाद आफ्टर दी सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट अगर ट्रांसिटिव वर्ब यूज हो रही है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम यही करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, देखेंगे। जैसे देखिए, रोहन इज बेटर देन सोहन। ये तो नेम की बात हो रही थी, कंपैरिजन हमने कर लिया। मैंने आपको पहले भी बताया, जब नाम की बात हो रही है आप वहां पे नॉमिनेटिव केस का यूज नहीं करोगे, बेशक देन लगा हुआ है उसके बाद नहीं यूज करोगे। ठीक है, ये कब चीज हो रही है, कब ये नॉमिनेटिव केस अप्लाई होगा? जब आपके सब्जेक्ट के बाद ये ट्रांजिटिव वर्ब अप्लाई होगी तब। पहले इसको देखते, यहाँ पे बेटर लिखा हुआ है, गुड बेटर बेस्ट आपको पता है, तो जब हमने चीजों को गुड और बैड के उस पर बताया तो वो थी पॉजिटिव। अब यहां से ये चेंज हो गई कंपैरिजन करने के लिए, हमने बोला रोहन जो है वो ज्यादा अच्छा है, हमने कंपैरिजन कर लिया कि वो उससे ज्यादा अच्छा है सोहन से। ठीक है, तो एक तो हमने कंपैरिजन किया, साथ में हमने देन का यूज किया, तो आपको पता चल गया कि ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, और आगे सोहन हो गया। यहां तक पता चल गया ना, राम और सोहन का। ठीक है, जैसे अब हम प्रोनाउन टू प्रोनाउन खेलते हैं, जैसे ही इज टॉलर देन मी, सही है कि गलत है? जब प्रोनाउन यूज हो रहा है, यहाँ पे नाउन था दोनों केसेस में, है ना, रोहन भी नाउन है सोहन भी नाउन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सोहन रोहन जो भी है। ही इज टॉलर देन मी, यहाँ पर मैंने बोला कि वो जो है वो मुझसे जो है वो टॉल है, सही है कि गलत है बता दो? ही इज टॉलर देन मी, क्या सही है कि गलत है? सही है तो कैसे है, गलत है तो कैसे है बता दो? आई होगा, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है, और आई होगा यहाँ पे, पीछे भी हमने यही चीज की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भी आप देन का यूज करो कंपैरेटिव डिग्री के साथ, आप लोगों को कम्युनिकेट करते टाइम पे भी इसको करेक्ट करना है, और नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करना है। ओके, ही इज टॉलर देन आई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री। गुड बेटर बेस्ट था, टॉल टॉलर टॉलेस्ट होता है। एक नॉर्मल सी चीज मैं आपको कहूं तो ER और EST से भी आपकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे आपने हैवी हैवियर हैवीएस्ट बोला, और टॉल टॉलर टॉलेस्ट है, तो ER और EST से आपके पास जो है वो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनती है। कुछ ऐसी होती है जो लर्न करनी पड़ती है, जैसे गुड बेटर बेस्ट है, ये लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, आगे चलते। एक और चीज यहाँ पे यूज होती है, यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, एक जो आपका एडजेक्टिव तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें आपके पास एक आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी होता है। हमने नॉर्मल देखा कि हम क्या यूज कर रहे हैं, कंपैरेटिव के साथ जो है कोई हम द का यूज नहीं करते हैं। एक सुपरलेटिव के साथ आपने आर्टिकल पढ़े हो अगर कभी, तो द जो है आपके पास उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है, या द आर्टिकल वहीं लगता है जहां सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेकिन एक फॉर्मेट है वो आपको याद होना चाहिए, जैसे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस
प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, ये आपको याद है, ठीक है, याद रहेगा प्लस प्लूरल नाउन। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, ये पता होना चाहिए सबसे पहले, एक फॉर्मेट है ये। यहां देखो, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि कंपैरेटिव डिग्री डायरेक्ट होगा, अगर यहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती हम द का यूज करते, कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। कब होगा? जब आपके पास ऑफ द टू आपको देखने को मिल रहा है उसके साथ, और साथ में प्लूरल नाउन यूज हो रहा है, तब आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है वो द का यूज कर सकते हो। अच्छे से दिमाग में बिठा लो, जैसे हम कहते हैं शी इज डैश बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, है ना, शी इज डैश बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, कौन सा आर्टिकल आएगा? अगर मैं आर्टिकल की बात करूं यहां पे, तो कौन सा आर्टिकल अप्लाई होगा? तीन आर्टिकल है ना आपके पास, ए एन और द, कौन सा आर्टिकल लगेगा अगर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया होता, शी इज डैश बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, बताइए। द लगेगा क्योंकि मैंने फॉर्मेट आपको बताया है, अगर फॉर्मेट नहीं बताया होता तब आपका आंसर क्या होता? अगर ये वाला फॉर्मेट नहीं पता होता आपको तो क्या होता आपका आंसर? ये तो अभी हमने फॉर्मेट डिस्कस किया, आर्टिकल में पढ़ा होगा आपने पहले, तो बात अलग है कि आप अच्छे से आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए था? द, क्यों? क्योंकि यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, साथ में ऑफ द टू लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो प्लूरल नाउन है, गर्ल का गर्ल्स बना दिया है यहाँ पे। तो तीन चीजें हमने कंपैरेटिव में देखी, कंपैरेटिव में देन यूज होता है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन भी यूज होता है, ठीक है, और एक तो नाउन टू नाउन के साथ आपका देन यूज होगा, दूसरा कंपैरेटिव केस होगा प्रोनाउन का, तब आपका देन यूज होगा। आप बोलोगे यहां तो हमने देन का यूज नहीं किया, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट है कि कंपैरेटिव के साथ आपको यहाँ पे आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री में ऑफ द टू होता है, प्लूरल नाउन होता है, कोई देन नहीं होगा यहाँ पे कंपैरेटिव के साथ, याद रखना। जब भी ये फॉर्मेट होगा कोई देन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके अलावा सिंपल फॉर्म में आपके पास कंपैरेटिव डिग्री है वहां पे देन देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए आगे बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, सुपरलेटिव सबसे ऊपर होती है, सबसे अच्छी होती है, यानी कि सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में मोर का यूज होता है, किसी की कंपैरिजन के लिए नहीं हम इसको यूज करते हैं, यहाँ पर सिंपल जो है एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज करेंगे, कोई भी आपकी हाईएस्ट क्वालिटी है उसको शो करने के लिए हम सुपरलेटिव का केस यूज करते हैं। जैसे जैसे मैं कहती हूं रीना इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास, है ना, मैंने कहा रीना इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास। आप देखोगे यहां पर मैंने द लगाया, आगे मोस्ट ब्यूटिफुल लिखा है ना, द लगा है आगे मोस्ट ब्यूटिफुल लिखा है। अब एक चीज देखोगे, मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया, गाइस लाइट का इश्यू हो चुका है, और आई होप आप लोगों को क्लियर होगा थोड़ा बहुत, वैसे भी आपकी क्लास एंड होने ही वाली थी, है ना, थोड़ा सा मैं ये वाली चीज आपको समझा दूं, उसके बाद हम एंड कर देंगे क्लास को, ठीक है। मैंने क्या कहा, रीना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ये सबसे ऊपर के लिए, सबसे अच्छी क्वालिटी के लिए, बेस्ट क्वालिटी के लिए, हाईएस्ट क्वालिटी के लिए हमने यूज किया यहाँ पे द, ठीक है। तो जो यहाँ पे
क्या लग रहा है? द लग रहा है, मोस्ट के साथ। अभी हमने बात की थी कि जो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आती है ना, सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके साथ हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, आगे लाइट, कोई बात नहीं। क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं हम, जो हमारा मोस्ट होता है उसके साथ। ठीक है, अब कंपैरेटिव में भी द का यूज होता है, लेकिन कौन सा केस है वो मैंने आपको बता दिया, ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन होगा तब। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि कंपैरेटिव, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगी है, तो ये बिना किसी फॉर्मेट के, कोई हमें फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री मिलेगा उसके साथ द आपको लगा देना है अगर आर्टिकल आता है तो। फिर मैंने यहाँ पे बताना है आपको, आप बोलोगे ना, कई बार आपको पता नहीं लगता है कि कहाँ पर हमें मोर का यूज करना है, कहाँ हमने मोस्ट का यूज करना है, कहाँ हमने ER का यूज करना है, कहाँ हमें EST का यूज करना है। एक चीज याद रखनी, जिस तरीके से मैंने ये चीजें समझी हैं उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। आप देखो कि ब्यूटीफुल है, तो जब आपको ब्यूटीफुल बोलना है तो दो, एक तरीके से कंपाउंड होता है ये, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड वर्ड टाइप है कि दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, एक है ब्यूटी, दूसरा है फुल। और अगर मैं बात करूं, जैसे हमने पीछे यूज किया हैवियर है ना, हैवी, जब आप हैवी बोलोगे, हैवी आप झट से बोल सकते हो ना हैवी, तो आपने यहाँ पे हैवियर कर देना, बाई को रिमूव करके हैवियर। ठीक है, वैसे ही अगर आपको ब्यूटीफुल बोलना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें आपने जो है वो मोर और मोस्ट का यूज कर लेना है। समझ में आई बात? जैसे टॉल बोलना है, एकदम से बोल पा रहे हो ना, टॉल बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, ER और EST लगा देना है, टॉलर और टॉलेस्ट। वैसे ही अगर आपको मैं कहूँ हैंडसम, तो बोलने को टाइम लग रहा है ना, हैंड बोलना होता झट से बोल सकते थे, लेकिन हैंडसम तो थोड़ा टाइम लग रहा है बोलने में, तो यानी कि यहाँ पर क्या लगा देना है, मोर और मोस्ट लगा देना है। बात समझ आ गई कि नहीं? कहाँ पर आपने ER लगाना है, कहाँ EST लगाना है, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? बोलो फटाफट से, यस यस कर दो, अगर ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वाली चीजें बताई वो समझ में आ गई कि नहीं, फटाफट से हैशटैग सेंड करिए और आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो जाएगा देन। ओके, वेरी गुड। तो गाइज, ये थी आपकी आज की क्लास। इसमें जो है, जो यूजेस मैंने इनके बेस पे आपको लोग करवाने थे, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, वो हम कल करेंगे। आज आप लोगों का यही हो पाया डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अच्छे से। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आपने वो पूछ लेना है। ओके, हम 2 से 3 टॉपिक एक टॉपिक में समझते हैं, तो वो चीज आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से समझनी होती है। ओके, थैंक यू।